नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेरी के इनकम में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इंग्लिश ओरोडी कप में आज बहुत सारे मैचेस खेले जाने हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसेक्स और सौरे के बीच में जो ओरोडी कप मैच खेला जाना है, लंदन रॉयल लंदन कप का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें। तो आपको बता दें कि आईपीएल में भी आज आईपीएल का फाइनल खेला जाना है, लेकिन आईपीएल का अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है इस मैच का। आप जाके वहाँ से चेन्नई और हैदराबाद के बीच में जो खेला जाना है उसके बारे में देख सकते हैं। फिर सबको बता दूं कि आईपीएल में बहुत ज़्यादा लोग खेल रहे होंगे, साथ ही साथ उसके बारे में नॉलेज सबको ज़्यादा होगी, तो आपके पास अच्छा मौका है इन मैचों में ग्रैंड लीग जीतने का या विन करने का, बड़ा अमाउंट विन करने का। आईपीएल में अगर आप खेलते हैं सबको नॉलेज है तो शायद आप जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर इस मैचों में अगर थोड़ा सा भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो आसानी के साथ जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोगों का फोकस होने वाला है। तो हम फिलहाल इस मैच की बात कर रहे हैं, अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है इस वीडियो का तो मैं बाकी बचे मैचों का भी वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच के कुछ रिकॉर्ड के बारे में साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का जो सिंबल दिख रहा है उसको भी दबा दो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो हम देख लेते हैं प्लेइंग 11। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड की। ग्राउंड देख रहे हैं जो कि एसेक्स के होम ग्राउंड पे मैच खेला जाना है, चैम्सफोर्ड ग्राउंड का नाम है। और इस पिच की अगर बात करें तो यहाँ पर जो गेम होते हैं वो हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं। अगर एवरेज स्कोर की बात किया तो 300 के आसपास रहा है। एवरेज विकेट फॉल की अगर बात किया दोनों पारियों में मिलाकर 15 से 17 विकेट गिरने की आराम से उम्मीद है। तो यहाँ से आप दोनों ही एक बैलेंस टीम लेके आपको चलनी होगी। साथ ही साथ अगर ऑलराउंडर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ऑलराउंडर हमारे लिए आज ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं इस मैच में। अगर बात करें अभी तक इस पूरा टूर्नामेंट में रॉयल लंदन कप में, तो अभी तक यहाँ पर एक मैच खेला गया है जो कि एसेक्स की टीम ने जीत लिया था और उन्होंने बैटिंग फर्स्ट की थी तब ये मैच जीता हुआ था। तो देख लेते हैं आज के मैच की प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसेक्स की टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, साथ ही टीम रिकॉर्ड के बारे में। अभी तक एसेक्स की टीम ने 4 मैच खेले जिसमें 2 जीते हैं 2 हारे हैं। टॉप बैट्समैन की बात करें तो वरुण चोपड़ा 286 रन बनाकर 4 मैचों में सबसे टॉप पर है। वहीं अगर वेस्टले सेकेंड नंबर पर 206 रन बनाकर 4 राउंडर में। वहीं अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखते हैं रवि ऊपरा 180 रन बनाकर 8 विकेट लेकर टॉप पे बने हुए हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर 3 बॉलर हैं ऐसे, नील वैगनर जिसमें 7 विकेट ले चुके हैं अभी तक, जिसमें सेंटनर अभी ने 2 मैच खेले हैं और सिमन हार्मर ने 4 मैच खेले हुए हैं जो उन्होंने 5-5 विकेट हासिल किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 देख सकते हैं वरुण चोपड़ा, एडम वेस्टले फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वेस्टले थर्ड नंबर पे आएंगे। इसके अलावा एड विटर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा डेनियल लॉरेंस जो कि परफॉर्मेंस उनका अभी तक अच्छा नहीं रहा है तो उनके रिप्लेसमेंट होने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा रवि पवारा, डॉजेट, अजहर जैदी, इसके अलावा सिमन हैमर, नील वैगनर, सैमुअल कुक और स्नेटर जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म रहा 2 मैच में, तो ये भी प्लेइंग 11 में आएंगे। अब बात कर लेते हैं अगर सौरे की टीम की, तो सौरे की टीम में देख सकते हैं टीम रिकॉर्ड। अभी तक सौरे की टीम ने टोटल 3 मैच खेले हुए हैं, 3 मैचेस से उन्होंने 1 मैच जीता हुआ और 3 लॉस किए हुए। अगर टॉप 2 बैट्समैन की बात करें तो वेलजैक हैं जो कि अब तक पूरे टूर्नामेंट में 152 रन बना चुके हैं। वहीं अगर बात करें डीन लगर की तो डीन लगर अभी तक 142 रन बनाकर इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं। वहीं अगर जसन रॉय की बात करें तो जसन रॉय पहला मैच खेला था और 0 पे आउट हो गए थे। अब बेस्ट ऑलराउंडर की बात करते हैं तो बेस्ट ऑलराउंडर इसमें देख सकते हैं सैम कुर्रन है जो कि 45 रन 2 मैचों में उन्होंने बैटिंग की है, तीसरे में उनको बैटिंग नहीं मिली थी और 4 विकेट लिया हुआ है। अगर टॉप ऑलराउंडर की बात करें तो टॉप बॉलर की बात करें तो रिकी क्लार्क हैं। इसके अलावा डैन बैच और बोथविक दोनों ने 2-2 विकेट अभी तक लिए हुए हैं। वहीं अगर रिकी क्लार्क की बात करें तो इन्होंने 5 विकेट अब तक टूर्नामेंट में ले चुके हैं और ये बेस्ट ऑलराउंडर बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं सौरे की टीम की प्लेइंग 11 की। सौरे की टीम से देख सकते हैं यहाँ ओपनिंग करते हुए वेलजैक और जैसन रॉय दिखेंगे, हालांकि जैसन रॉय पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए थे। इसके अलावा डीन लगर, रॉय बर्न्स, ओलीपॉप, बेन फोक्स, सैम कुर्रन, स्कॉट बॉथविक, रिकी क्लार्क। अब यहाँ से एक रिप्लेसमेंट हो सकता है ग्रेथ बेटे जो कि इनको लगभग 3 मैचों में खिलाया गया है लेकिन अभी तक इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, मात्र ये 1 विकेट पाए हुए 3 मैचों में। तो यहाँ से स्टुअर्ट मेकर की वापसी हो सकती है।
हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा अगर देख रहे हैं डरमैच जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अभी तक टूर्नामेंट में 2 विकेट ले चुके हैं, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। तो ये सेम प्लेइंग 11 हो सकती है, बस एक चेंजेस होने की उम्मीद है। तो देख लेते हैं, अब ड्रीम 11 टीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं टीम मैंने बनाई हुई है, मैं उसका ओवरव्यू पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने 4 बैट्समैन लिए हुए हैं, 3 ऑलराउंडर लिए हुए हैं, साथ ही साथ 3 बॉलर लिए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे बॉलर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बॉलर 3 ही लेके चलिए क्योंकि ऑलराउंडर हमने 3 ऑलरेडी कवर कर लिए। ऑलराउंडर और बॉलिंग बॉटर बैट्समैन सेक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन इसमें क्या क्या है आपके पास। तो ऑप्शन की अगर बात करें, बेन फोक्स काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, यहाँ से आप उनको ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें बैटिंग सेक्शन में देख सकते हैं आपके पास जो ऑप्शन बच जाते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, डेचोट का बच जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन बचता है आपके पास वो रन बर्न्स का बचता है, काफ़ी अच्छे बैट्समैन है। इसके अलावा जो ऑप्शन बचता है आपके पास ओली पॉप का बचता है। इसके अलावा यहाँ से कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, एक ऑप्शन बचता है ब्रथविक का, हालांकि इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन बात करें, ऑलराउंडर सेक्शन में जो अच्छा ऑप्शन आपके पास बचा रहा है रिकी क्लार्क, आप चाहें तो सैम करन की जगह पर रिकी क्लार्क को ले सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा अगर ऑप्शन की बात करें तो अजहर जैदी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ से तो कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं अवेलेबल है। अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन बच जाते हैं वो यहाँ से देख रहे हैं कि सिमन हैमर काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी रेगुलर विकेट ले रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन बच जाते हैं वो सैमुअल कुक का बच जाता है, ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ से देख सकते हैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन आपके पास हैं, डीन एलगर काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, जेसन रॉय, टी वेस्टले, इसके अलावा वेलजैक काफ़ी अच्छे ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए खासकर, क्योंकि ये ओपनिंग करने आते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग भी कराते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये थी हमारी आज की टीम। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आज का आईपीएल का मैच कौन जीतेगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। कि अगर आप बुक्की पे पैसा खेलते हैं कि कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे खाना है, कब वो साइड करना है, कहाँ पे हमें पलटना चाहिए, कहाँ पे नहीं पलटना चाहिए, इन सब के बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताने वाला हूँ मैच में, तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।